नमस्कार, आप देख रहे नेशन भारत में हूँ राकेश। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आने वाले लागत को वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी मुहर लगाते हुए अनुमानित राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बताते चले कि प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पटना एम्स 750 बेड का होगा। वही निर्माण कार्य पर 1361 करोड़ रुपए की खर्च जो है वो राशि है वो खर्च होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दरभंगा के सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के आग्रह पर एम्स और सुपर स्पेशलिटी के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की। दरभंगा सांसद ने मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। वही केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह बताया कि दरभंगा एम्स को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय वित्त समिति बैठक हाल ही में संपन्न हुई है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद कार्य में और तेज गति से बढ़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।